देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय से है। 2 लाख रुपए का इनामी हुआ गिरफ्तार, कनीमो श्रृंगी ऋषि के जंगल के रास्ते से। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड अंतर्गत बन्नू बगीचा नक्सल थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी में नक्सली संगठन के मुख्य दस्ता सदस्य कारेलाल कोड़ा उर्फ प्यारे लाल कोड़ा को कनीमोह श्रृंगी ऋषि के जंगल से की गई है। मिली जानकारी में दर्जनों मामला लखीसराय के विभिन्न थानों में इन पर दर्ज है, जिनमें धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस लूट कांड, राजेश बिंद हत्याकांड वो विभिन्न नक्सली वारदातों में इन्हें वंचित बताया गया है। इसके अलावा इन पर 2 लाख रुपए का इनाम की भी राशि घोषित किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अभियान मोतीलाल व सहायक पुलिस अधीक्षक KSP रोशन कुमार संयुक्त नेतृत्व में उपस्थित बन्नू बगीचा थाना प्रभारी कुमार संजीव कुमार के सहयोग से जिला पुलिस सशस्त्र सीमा बल एवं STF की संयुक्त कार्रवाई के बाद यह सफलता मिली है। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कैसे सफलता मिली है सर? पहले से ही सूचना आ रही थी कि नक्सली कारेलाल और प्यारेलाल जो कानीमोह का निवासी है वो अपने संगठन के विस्तार में लगा हुआ है और क्षेत्र के लोगों पर दबाव बना रहा है संगठन में शामिल होने के लिए। सूचनाएं आ रही थी, सूचनाएं के आलोक में लगातार सर्च अभियान चल रहा था। इसी क्रम में जब सटीक सूचना आई तो ASP रोशन, ASP मोतीलाल ऑपरेशन, SHO बन्नू बगीचा संजीव, SSB की टीम, QRT, STF के साथ आज सुबह में सर्च अभियान चलाया गया। इसी क्रम में कारेलाल और प्यारेलाल की गिरफ्तारी हुई है। कानीमोह के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में श्रृंगी ऋषि से उतरते हुए देखा गया, उसे रोका गया। उससे पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि जिसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया था संदिग्ध व्यक्ति वही है। उसकी गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ हुई। कुछ दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा कारेलाल और प्यारेलाल के विरुद्ध 2 लाख का इनाम भी घोषित हुआ है। यह एक प्रमुख नक्सली है, अपने संगठन के विस्तार में लगा हुआ। इसके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। वर्ष 2013 में इंटरसिटी ट्रेन पर हमला हुआ था, जिसमें हत्या भी हुई थी। रेल मार्ग रक्षी का एक जवान सुकांत देवनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही अवर निरीक्षक अमित की भी गोली मारकर हत्या हुई थी। और इसमें हथियार भी बाद में लूटा गया था। लगातार 2 घटनाएं हुई थी। जब पुलिस उसके सपोर्ट में पहुंची थी तो रास्ते में लैंडमाइंस की भी घटना हुई थी। तो इन दोनों घटनाओं में यह प्रमुख रूप से भाग लिया था। नक्सली टीम को लीड कर रहा था। साथ ही इसके विरुद्ध अन्य लगभग 10 मामले दर्ज हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इसके बताए अनुसार हथियार बरामदगी की दिशा में कार्रवाई होगी। इसका सहयोगी रहा है सर? ये इस एरिया में प्रमुख रूप से प्रवेशदार अरविंद यादव के साथ ये सहयोगी रहा है और प्रमुख सदस्य रहा है।
कितने दिन से फरार था सर? ये वर्ष जब 2013 में ये घटना में शामिल रहा है तो लगभग ये 7-8 सालों से फरार था, और बीच में ये बाहर भी चला जाता था, लेकिन इधर यह एक्टिव हो गया था। ऑपरेशन का क्या नाम था? उसकी गिरफ्तारी की सूचना पे गिरफ्तारी हुई है। लखीसराय के अलावा सर और भी जिलों में इस पर मामले? निश्चित तौर पे आसपास के जिले में भी इसके मामले दर्ज हैं। हालांकि अभी तक जो हम लोगों को जानकारी मिली है उसके अनुसार एक दर्जन मामले लखीसराय जिला और आसपास के। हथियार भी बरामद हुए? अभी तक नहीं।